सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल होस्ट चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियो रोजाना देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको बोला जाए कि 20,000 के अंदर अंडर बेस्ट स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा, मतलब सारे के सारे परफॉर्मेंस है, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और मतलब चारों कैमरा सेटअप और सब कुछ है, तो आप क्या करोगे? वही स्मार्टफोन लोगे ना? या 17,000 के ऐसा स्मार्टफोन है, 70,000 में ऐसा प्राइस में स्मार्टफोन है कि भाई बहुत ही बढ़िया है। और जितना भी स्मार्टफोन आज बताएंगे, तीन स्मार्टफोन बताएंगे और तीनों बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और पहली बात करते हैं मोटरोला का न्यू जो स्मार्टफोन है, मोटरोला न्यू फ्यूजन प्लस के बारे में, तो उसका पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। जो यार सबसे पहले इसका क्या आता है यार, डिस्प्ले आता है 6.5 इंच का LCD डिस्प्ले रहने वाला है, जो कि 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। यार स्मूथली वर्क कर गया, नो प्रॉब्लम। और हाँ, सेकेंडली क्या आता है, बैटरी आता है। यार सबसे बड़ी बात है कि यार 5000 mAh का बैटरी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 18 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। और कैमरे की बात करें दोस्तों, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का उसका वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल का ड्रॉप था, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर भी रहने वाला है स्मार्टफोन में। हाँ, फ्रंट में रहने वाला है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो यार स्मूथली वर्क करता है वही वाला। तो कैमरा में यार बहुत ही बढ़िया काम किया है स्मार्टफोन कंपनी ने, जो कि यार 6GB 128GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे मिल रहा है, और 70,000 में मिल रहा है यहाँ पे। एंड्रॉइड 10 सपोर्ट के साथ यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, USB Type-C सपोर्ट के साथ यहाँ पे स्मार्टफोन मिल रहा है, जो कि फ्लिपकार्ट में 24 जून को फ्लिपकार्ट में सेल होगा। आप अगर चाहोगे तो जाके वहाँ पे खरीद सकते हो, आपका मर्जी। स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में जान के आपको क्या लगा, कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट अपडेट आता है दोस्तों, POCO X2, जो कि यार बहुत दिनों से ट्रेंडिंग में था, यार कंपेयर में आ गया। और ये भी बहुत बजट रेंज में 17,500 में यहाँ पे मिल रहा है फ्लिपकार्ट में। यार कहीं पे भी, ऑनलाइन में कहीं पे भी, फ्लिपकार्ट सोचो, अमेजन सोचो, ये नहीं कि भाई फ्लिपकार्ट बोल रहा कि फ्लिपकार्ट को प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे कुछ पैसा मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी ऑनलाइन में खरीद सकते हो, जहाँ पे जाके वेबसाइट में खरीद सकते हो। तो इसका डिस्प्ले रहने वाला है 6.67 इंच का फुल LCD डिस्प्ले, जो कि यार 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट। और बैटरी के बारे में बात करूं दोस्तों, बैटरी यहाँ पे मिला है 4500 mAh का बैटरी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 27 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट के साथ, USB Type-C ऑफ कोर्स रहने वाला है स्मार्टफोन में, एंड्रॉइड 10 सपोर्ट के साथ। और हाँ, कैमरे की बात करें मेरे भाई, कैमरा रहने वाला है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, पीछे 4 कैमरा सेटअप यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का ड्रॉप था, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर यहाँ पे मिल रहा है। और हाँ, फ्रंट में पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं है, बट कैमरा में कोई पीछे नहीं है स्मार्टफोन, जो कि 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा के साथ साथ 2 मेगापिक्सल का भी दे रहा है, मतलब 20+2 सेल्फी कैमरा यहाँ पे मिल रहा है, मतलब पास से और दूर से भी। तो यार बहुत ही बढ़िया है स्मार्टफोन। और हाँ, प्रोसेसर की बात करें मेरे भाई, प्रोसेसर रहने वाला है स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर रहने वाला है, जो कि यार बहुत ही जाना माना जाता है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? और हाँ, स्टोरेज उतना खास नहीं है, 6GB 64GB में है सारे के सारा, 6GB 64GB में स्टोरेज के साथ यहाँ पे मिल रहा है। आपको क्या लगता है, स्मार्टफोन बढ़िया है, बहुत आदमी खरीदा है, और आप क्या खरीदना चाहते हो? तो ज़रूर फीडबैक देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट और आखिरी स्मार्टफोन आता है Realme 6 Pro के बारे में। Realme 6 Pro यार बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त कुछ स्मार्टफोन लिया था, उन लोग भी कुछ लिया है Realme 6 Pro, तो यार बढ़िया कि भाई परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया कर रहा है, कि थोड़ा एक मिस्टेक था तो उसको आपके साथ शेयर करेंगे। फोन का डिस्प्ले है 6.6 इंच का LCD डिस्प्ले, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। बैटरी के बारे में बात करो दोस्तों, 4300 mAh का बैटरी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि 30 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। आपको क्या लगता है, स्मार्टफोन बढ़िया है कि नहीं है? बट यहाँ पे मेरा राय मानो, या 30 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे, अब आधा घंटे में फुल चार्जिंग हो जाएगा आपको, मतलब जो गेमर्स है या फोन में घुसे पड़े रहता है ऑल टाइम, भाई ये करो वो करो कॉल करो गेम खेलो, तो उन लोगों के लिए यार बहुत ही बढ़िया है। 10-15 मिनट चार्ज करके यार 50% 60% चार्ज हो जाएगा। क्या लगता है आपको, खरीदना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका प्रोसेसर रहने वाला है स्नैपड्रैगन 720G, थोड़ा बहुत कम है बट सेम ही बोल सकते हो, स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर रहने वाला है। कैमरे की बात करें मेरे भाई, कैमरा रहने वाला है फ्रंट में 16 मेगापिक्सल एंड प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि पॉपअप नहीं है बट साइड में रहने वाला है, जो आप फोटो देख रहे होंगे। तो ऐसा स्मार्टफोन का सेल्फी कैमरा रहने वाला है। और हाँ, इसका बैक साइड में जो है भाई, हर एक तीन स्मार्टफोन का पीछे 4 कैमरा सेटअप रहने वाला है, जो कि 64 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन का 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर रहने वाला है स्मार्टफोन में। तो यह कैमरा में कोई कसर नहीं छोड़ा है, और प्रोसेसर वही एंड्रॉइड 10 सपोर्ट के साथ आया है,
तो यार 6GB 64GB स्टोरेज के साथ यहाँ पे मिल रहा है और प्राइस सेम ही है इसका। 17,000 में दोनों स्मार्टफोन मिल रहा था, 17,000 17,500 में मिल रहा था, ये इसमें 18,000 में आपको मिलेगा। तो यार सेल्फ हेल्प चलेगा तो इसे 17,000 में आराम से मिल जाएगा। और तीनों स्मार्टफोन में कौन सा बेहतर है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरा राय मानो यार चारों कंपेयर करेंगे तो यार सबसे बेहतर है पोको एक्स टू, जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, उसमें प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया है। और हाँ, इसमें बैटरी पर्पस भी बहुत ही बढ़िया दे रहा है, मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, मिडिल में है। और मतलब 4500 जो कि 27 वाट्स का चार्जिंग सपोर्ट के साथ यहाँ पे मिल रहा है। कैमरा तो सभी सेम ही है। मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस के बारे में आपको क्या राय है और तीनों स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या राय है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, ध्यान से रहिए, बाय बाय।